अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं महर बुखारी। मुजीबुर रहमान शामी साहब का ये कहना है नाज़रीन कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हर लहर के साथ बह जाती है और जब ये लहर खत्म होती है तो कपड़े झाड़कर उठ खड़ी होती है। अगर 2008 से अब तक की हुकूमती कारकर्दगी को देखें, इसका जायजा लें, तो शामी साहब की इस जुमले की सच्चाई खुलकर सामने आती है। जरा याद कीजिए, 2008 में मुंबई के वाकयात पर इस हुकूमत ने DGISI को भारत भेजने का फैसला कर लिया कि जो 24 घंटों के अंदर अंदर वापस हो गया। हुकूमत ने ISI को वजारत दाखला के मातहत करने के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 48 घंटों के अंदर अंदर ये भी वापस ले लिया गया। 2009 में जजेस को बहाल ना करने का इरादा किया और लाहौर से गुजरांवाला तक का लॉन्ग मार्च भी बर्दाश्त ना कर सकी। 2010 और 11 में अमेरिका से ताल्लुकात को पार्लियामेंट में लाई कि जो करारदादें पार्लियामेंट ने मंजूर भी की तो उन पर भी अमल ना कर सकी है हुकूमत। 2011 में सलाला चेक पोस्ट पर अमेरिकी हमले के बाद नेटो सप्लाई रोकी तो फिर एक मखमसे में भी फंस गई। देखते ही देखते वो इस तरह नाज़रीन के पार्लियामेंट ने जो कहा इसे माने तो आइंदा बजट की मुश्किलात का पहाड़ अबूर करना मुमकिन नजर नहीं आता। और अगर जिम्मेदारी लेकर नेटो सप्लाई खोलने का फैसला करे तो दफाए पाकिस्तान काउंसिल और इमरान खान हथियार बदस्त नजर आते हैं। हुकूमत बिजली का मसला हल करने के बजाय इसकी कीमत 1.25 रुपए फी यूनिट बढ़ा देती है तो कोई बात नहीं, नो बिग डील, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी अवाम का मसला था। नेटो सप्लाई का मसला हल करना बहुत जरूरी है क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम नहीं अमरीका है। दो ताज़ा तरीन खबरें जो अभी हमें मौसूल हुई हैं, एक तो ये कि अमरीका इस पर गौर कर रहा है कि मिलिट्री टू मिलिट्री माफी मांग ली जाए सलारा चेक पोस्ट हमले के लिए। इसके ऊपर अभी भी महज गौर और फिक्र हो रहा है, मिलिट्री टू मिलिट्री। दूसरी अहम खबर, अभी थोड़ी देर पहले ही स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान विक्टोरिया नोलन का ये कहना है कि हमारे अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला तय पाए गए हैं अभी उनको सामने नहीं ला सकते, ना उनकी तफसीलात लोगों को बताई जा सकती हैं। एक अहम शख्सियात की एक अहम जगह पे एक अहम मीटिंग याद आ गई, एक छोटे से वक्फे के बाद आपको बताएंगे। वापस आने का शुक्रिया। सबसे अहम दो बातें अभी की कि जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री अमेरिका माफ़ी मांगने पर गौर कर रहा है, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। दूसरा, स्टेट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ जो मामला तय पाए गए हैं अभी ये मंजर आम पर नहीं ला सकते, इनकी तफसील नहीं किसी को बता सकते, ना दे सकते। यानी कि जिस तरह कैंप डेविड के अंदर भी मुशर्रफ का जाना, उधर डील्स करना, नेगोशिएशंस करना, और हद तक ये भी कहा जाता है कि अपने कोर कमांडर्स को भी एतमाद में ना लेना, उन तक को कोई ख़बर ना थी कि क्या डील्स हुई हैं और क्या क्या अग्रीमेंट्स हुई हैं, क्या हिस्ट्री तारीख एक दफ़ा फिर दोहराई जा रही है, क्या बाद में हमें पता लगेगा कि क्या क्या अंदर ही अंदर तय पा लिया गया, इसके ऊपर गौर करेंगे। हमारे साथ मेहरीन अनवर राजा साहिबा मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ देने जफर इकबाल झगड़ा साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। दलीप अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। और हमारा साथ दे रहे हैं एक मुईशत के एक्सपर्ट और एनालिस्ट डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, इससे पहले मैं आगाज़ करूँ, मैं चाहूँगी कि आज पाकिस्तान की बैनुल अक्वामी बरादरी में जो कीमत बताई जा रही है और जो हेडलाइंस छप रही हैं एक दफ़ा वो भी आप भी देख लीजिए, अवाम को भी दिखा दें, और उसके साथ साथ हमारे लीडरान के साथ क्या रवैया बरता जा रहा है, किस तरह बात की जा रही है, वो भी आप एक दफ़ा मुलायजा कर लीजिए। हैव अ लुक, लुक मी इन द आई एंड टेल मी व्हाट मोर यू नीड। ये शाहिद साहब, अभी आपने देखा, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कीमत है $365 मिलियन, यानी कि ये नेगोशिएशंस जो हुई हैं, ये जो रजामंदी हुई है कि नेटो सप्लाई रूट्स को बहाल किया जाए, ये $365 मिलियन के इवज हुई है और ये हमारी कीमत बताई जा रही है। मगर इससे ज़्यादा बढ़ के दुख मैंने ये अभी आपने जो देखा भी, और मैंने बिल्कुल इसका प्रिसाइस एक चीज़ बस दिखाई है कि लुक मी इन द आई, आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात करो, हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को ये कहा जा रहा है, शायद इसलिए क्योंकि सज़ाए याफ्ता हैं, शायद इसलिए कि शायद गवर्नेंस इस मुल्क में जिस तरह की भी है। मगर CNN की एंकर पर्सन का यह भी कहना था कि आप एक डिसफंक्शनल सोसाइटी को लीड कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें, इनका रवैया जो है किस हद तक बजाए? देखिए, पहले मैं आपसे यह अर्ज कर दूं कि अब से चंद रोज पहले पाकिस्तान के वजीर दिफा अहमद मुख्तार ने यह कहा कि हमें नेटो सप्लाई बहाल करने की बहुत जल्दी है, क्योंकि अगर ये बहाल होगी तो हमें पैसे मिलेंगे और हम बजट बना सकेंगे। यानी वजीर दफा ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को इस नौबत पे पहुंचा दिया कि अगर अमेरिका हमारी इमदाद रोक दे, जो कि रोकी है, तो बकौल उनके पाकिस्तान इस काबिल भी नहीं रहा
कि अपना बजट बना सके। अगर हम ये बैन अल-अक़वामी नशरियाती इदारे पर ये बात कहते हैं तो दुनिया को तो हमने एक मैसेज दे दी। नंबर एक, आवाम को ये समझा दीजिए, क्या क्या 1.5 अरब डॉलर के बगैर 2011 और 12 का बजट नहीं बन सकता? देखिए, बात ये थी कि यकीनन बन सकता है, लेकिन क्या हकूमत के पास ये पॉलिटिकल विल है कि कुछ ऐसे इकदामात उठाए जाएं जिसमें ताकतवर तबके जो पाकिस्तान में लूटमार कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ जो है उनसे कहा जाए कि वो अपना हिस्सा डालें? तो ना पार्लियामेंट उसके लिए तैयार है, ना हुकूमत तैयार है। बुनियादी चीज़ ये है। लेकिन अच्छा, मसला 1.5 मिलियन डॉलर, मैं एक जुमला आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं आपको कह दूं, ये बहुत अहम है। वो ये है कि इस वक्त अगले माली साल में पाकिस्तान को IMF को 4 अरब डॉलर अदा करने हैं और हकूमत पाकिस्तान इस पोजिशन में नहीं है कि उनको अपने वसाइल से अदा कर सके। यानी मैं आपको बिल्कुल वाज तौर पर बता दूं कि 1.5 अरब डॉलर का मसला नहीं है, मसला ये है कि हम अमरीका के पास जाने की तैयारी कर चुके हैं कि जनाब आप IMF से हमारी सिफारिश करें कि वो हमें एक नया पैकेज दे बड़ी रकम का ताकि हम ये किस्त भी अदा कर सकें और अपने अखराजात जो बढ़ रहे हैं। अच्छा, उस पर भी काबू पा सके। मगर मुझे डॉक्टर साहब यही सवाल मैं हुकूमत वक्त से पूछना चाहूंगी। जी, आप जुमला कंप्लीट कर लीजिए, मगर मैं यही जानना चाहूंगी कि इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमिकली यानी कि मुल्क कोलैप्स हो चुका है, चाहे बजट की तैयारी हो या IMF से वापस लोन लेने की तैयारी हो कि उन्हीं के कर्जे उन्हीं के इंस्टॉलमेंट हम फिर दे सकें। देखिए, मैं आपसे ये बिल्कुल अर्ज करना चाह रहा हूँ कि IMF से जो ये कर्जा अमरीका की सिफारिश पर लेंगे उसके लिए अमेरिका की सियासी शराइत होंगी जिसमें बुनियादी चीज़ ये होगी कि आप शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करें और IMF कुछ ऐसी जो है शराइत रखेगा कि आप आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ बढ़ा दें। नंबर एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये थी कि अगले साल मेरा अपना ख्याल ये था कि पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा क्योंकि हम 20 अरब डॉलर का तिजारती खसारा उठा रहे हैं। अगर हुकूमत टैक्सों की 1900 अरब रुपये साल की टैक्सों की चोरी होने दे रही है, 1200 अरब रुपए का जो वो है करप्शन है और 80 अरब डॉलर जो मुझे अफसोस है कि हकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक कौम से छुपा रहे हैं कि दहशतगर्दी की जंग से 80 अरब 80 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है और अमेरिका ने बमुश्किल हमें इसके 17% दिया है। 17%। अच्छा, कौम को क्यों नहीं बताते? मैं पूछती हूँ हुकूमत वक्त से, मेहरीन राजा साहिबा, आप क्यों नहीं कौम को एतमाद लेते कि इस मुल्क में ड्रोन्स भी होंगे क्योंकि ये पॉलिसी डिक्टेट की गई, हमने एक्सेप्ट की गई है? आप क्यों नहीं मुल्क को ये बताते कि 400 अरब डॉलर IMF का भी अभी आपने देना है अगले साल और ये भी कि 80 अरब डॉलर आप खर्च कर चुके हैं जो पैसे अब हमारे पास नहीं है और ये भी कि अब ये बजट भी जिस तरह के पिछले साल का बजट भी 400 मिलियन डॉलर विदाउट कोएलिशन सपोर्ट फंड के नहीं बनाया जा सकता था जो कि कभी नहीं मिले आपको, अब ये बजट भी नहीं बन सकता था और बड़ी मछलियों को आप हाथ नहीं लगा सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारी मछलियों को हाथ लगाया जाएगा, बड़ी मछलियों को भी। कानून सबके लिए एक है और मैं आपको बताती चलूं, जैसे हमारे अभी जो भाई हैं उन्होंने ये कहा कि वो हमसे अपनी शरायत मनवाएगा। देखिए, बात ये है कि सलाला चेक पोस्ट पे एक हमला किया गया जो बड़ा अफसोसनाक था। उसके बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने और जमहूरी हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि हम तमाम जितने भी हमारे राबते हैं उनको मुनकता करें, एक रजिस्टर कराएं अपना एहतजाज, और मैं समझती हूँ हमने बेहतरीन तरीके से अपना एहतजाज रजिस्टर कराया। हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं और इस वक्त हम बहुत इंपॉर्टेंट जियो खड़े। देखिए बात ये है कि 6 महीने तक एक चीज को आप अगर आप इसको प्रेशर कहें तो मैं बिल्कुल वाकई बात है, प्रेशर था उसको बर्दाश्त किया और कर सकते हैं। देखिए, 1950-60 से लेके ये नशेबो फराज इन ताल्लुकात में रहे हैं और अभी भी कुछ ऐसे मामलात हैं, बट क्योंकि आप नेटो में सिर्फ अमेरिका नहीं है और भी 48 कंट्रीज हैं, हम ग्लोबल नेटो में रहते हैं जनाब, नेटो के एक लाख 30 हजार अफवाज में से 2/3 अमेरिका का ही है। हमने जो 14 नकाती अपना एजेंडा दिया था हम उस पे ही आगे चलेंगे, कोई चीज डिसाइड नहीं कर ली गई, कैबिनेट में मामला गया, मंगल को एक मीटिंग रखी गई है। देखिए, बात यह है कि कोई भी ऐसा काम जो पाकिस्तान की ये सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करें वो कभी नहीं किया जा सकता। हाँ, कतई कलामी माँ माजरत के साथ, आज तक आवाम को यही नहीं समझ आई कि नेशनल इंटेग्रिटी और कौमी सलामती के नाम पर क्या क्या हमसे ले लिया जाता है,
हमारे ऊपर क्या क्या थोप दिया जाता है, हमें आज तक ये नहीं समझ आया। अगर आप ये बात करें कि क्या क्या ले लिया जाता है, तो फिर अयूब खान के जमाने में बटा बेर के बेसिस दे दिए गए, मुशर्रफ के जमाने में तमाम दरिया भी बेच दी गई, वर्बल मुशर्रफ के जमाने में भी बहुत कुछ हो गया होगा, समझ कर बातों को सुने ना मैं। मगर आपकी जमहूरी हुकूमत जो है वो किस मर्ज की दवा है बीबी? खराबी कहाँ हुई? जमहूरी हुकूमत ने चीजों को लॉक किया, ताले लगाए, जहाँ पे खड़ा कर सकी इंटरनेशनल फोर्सेस को बावर करवाया जी। अच्छा। कि ये जो आपकी जंग थी और हम पे मुसल्लत कर दी गई है, इसको हम बहुत 40,000 हमारे जवान सिविलियन और फौजी शहीद हो गए हैं। आज अगर हम कोई बातचीत करने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल इस चीज की तसल्ली रखें, अवाम भी तसल्ली रखें, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत कोई चीज छुपाएगी नहीं, जैसे तमाम चीजें पार्लियामेंट में आ गई। फॉरेन पॉलिसी को आप पार्लियामेंट में ना लाएं, मगर हम पार्लियामेंट में इसको लेके आए हैं जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप पार्लियामेंट में लेकर आए। झगड़ा साहब, आपकी जानिब आऊंगी, थोड़ी देर बाद बता दीजिए हालात नहीं है जनाब। आई नो नवंबर में उनके भी इलेक्शन ईयर है, उनको भी माफी कर, उनके इलेक्शन आ रहे हैं, बिल्कुल मैं समझती हूँ, हमारा भी इलेक्शन ईयर है बीबी। मसला ये कि अब आप इसका पॉलिटिकल फॉलआउट आप कैसे भुगतेंगे ये तो देखेंगे। झगड़ा एक सेकंड, इसका इलेक्शन फॉलआउट अगर हम देखें तो वो ये है कि हमने अगर 6 महीने वेट किया, वेट कर सकते हैं जी, अच्छा। वो ये जानते हैं, बट अब ग्लोबल विलेज में जाते हैं, आपने मूव फॉरवर्ड कैसे करना है। मेरीन साहब, एक से इजाजत दीजिए। झगड़ा साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। ऑपोजिशन को गवर्नमेंट इन वेटिंग माना जाता है। हिना रबानी खर साहबा कहती हैं, वी मेड अ पॉइंट, जिस तरह भी आपने मेहरीन साहबा को भी सुना, वी मेड अ पॉइंट, हमने बंद कर दिया, हम दुनिया के सामने खड़े हो गए, इट्स टाइम टू मूव ऑन, टाइम है क्लोजर के लिए। यानी कि आप इनडेफिनेटली इसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, तो एज गवर्नमेंट इन वेटिंग अगर आप इस पोजिशन में होते तो आप क्या फैसला करते? क्या आप वाकई प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए इसको बंद रख सकते थे नेटो रूट्स को? शुक्रिया महर, महरीन ने जो बातें की, अल्लाह करे कि जो वो दावा कर रही हैं कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी पे कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी भी यही दुआ है कि ये हम तो बहुत देर से इनको यही समझा रहे हैं कि खुदा के लिए घबराया ना करें, ये सूरत हाल और ये इम्तिहान कौमों की जिंदगी में आती हैं और इसका मुकाबला करना चाहिए। किस तरह हमने माजी में इंशाल्लाह खोलने के सिवाय झगड़ा साहब चारा क्या है अभी? हाँ जी, मैं आपको ये बताऊं जी कि ये जो बात अभी हो रही है कि बातें हो रही हैं, और आपने भी मेंशन किया कि जिस तरह कैंप डेविड में हुआ था कि हमें कुछ पता नहीं चला और सब कुछ हो गया, खुदा ना करे कि वो सूरत हाल आए तो फिर हम तो उसको रिजिस्ट करेंगे। हमने तो कह दिया है बिल्कुल बरमला कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त हमें ऑन बोर्ड नहीं किया गया, और अगर उस किस्म की कोई बातें सामने आई तो PMLN ओपनली इसको रिजिस्ट करेगी। खोलने के सिवाय चारा क्या है झगड़ा साहब, ये बताइए चारा क्या है, व्हाट इज द अदर ऑप्शन? चारा यही है, आपको याद होगा कि हम जब 1998 में एटमी धमाके के लिए जा रहे थे तो आप पे अमेरिका ने जो सैंक्शंस थी वो भी लगा दी थी, दीगर ममालिक ने भी लगा दी थी, लेकिन हमने कहा कि हम भूखों नहीं मरेंगे और हमने साबित किया कि पाकिस्तान में बिल्कुल झगड़ा साहब हमें तारीफ याद है से इतना वो है। शायद फर्क ये है झगड़ा साहब, तब अमेरिका जंग नहीं लड़ रहा था और आज जंग लड़ रहा है अमेरिका, शायद ये फर्क है सिचुएशंस में। आज वो आपके बॉर्डर पे उसकी फोर्सेस खड़ी हुई है, 130,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स खड़ी है जो यूनिलैटरल एक्शंस करती है। आप बिल्कुल इससे ना घबराएं, मैं आपको एक बात बताऊं मैं, और मुझे बात करने दें। आज आप भी एक एटमी कुवत हैं दुनिया की, एटमी कुवत पे आना जो है कोई आसान काम नहीं है, 100 दफा अमरीका को सोचना पड़ेगा, अल्लाह का करम है, लेकिन आपको बोल्डनेस शो करनी पड़ेगी। खुदा के लिए अगर हम इस तरह डर डर कर फैसले करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। आप डट जाएं, खड़े हो जाएं। अंदलीप साहबा, आपके सामने कोई इस तरह अंदलीप साहबा, आपने अवाम को बहुत मोटिवेट किया, इसमें काम भी करती रही है, अब इमरान खान का साथ दे रही है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक जो मायूसी है इस हवाले से कि जब आपका वजीर आजम कहे कि अगर कौम छोड़ना चाहती है मुल्क को तो छोड़ दे, और जब आपने आपके हाईएस्ट एचलॉन्स ऑफ पावर के अंदर ये फैसले किए जाएं और बाहर आके स्टेटमेंट्स कुछ और दी जाएं, तो वे डू यू ड्रॉ द लाइन कि क्या खरा सच सुनने की ताकत रखती है हमारी कौम? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इस बात पर जितना भी मैं शर्म से सर जो झुक गया है ना, जो हमारी वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि जी क्लोजर कर दें, 24 नौजवानों का अनप्रोवोक्ड मर्डर हुआ और ये सबको पता है, और वो कह रही है कि जी क्लोजर कर दें। मैं इसको थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताती हूँ। 15 तारीख को
ये हिना रब्बानी खर की स्टेटमेंट आई। 16 तारीख को हमारे प्रेसिडेंट को इनविटेशन आई है शिकागो में कॉन्फ्रेंस के लिए और ये सारी डील हुई है। द प्रेसिडेंट इज डाइंग टू गो ओवर देयर। आप सोचें, एक कॉन्फ्रेंस जो होती है, जो इतनी बड़ी होती है, उसकी इनविटेशन महीनों पहले आती है, ये 16 तारीख को ये आई है क्योंकि द प्रेसिडेंट इज डाइंग टू गो ओवर देयर। डील हो चुकी है और आप देखें ये क्लोजर कर दें, आप अभी तक 9/11 की अभी तक क्लोजर नहीं की अमेरिका ने, 9/11 पे अभी तक हमारी क्लोजर नहीं हुई। 45,000 लोगों को मारा गया, सारी जो है ये नेटो सप्लाई से कर रहे हैं। आप सोचे, इनको इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस के लिए पैसे नहीं है, 6 अरब रुपया नहीं है कि डेट जो सर्कुलर डेट है उसके लिए करें। हफीज पाशा साहब ने वहां बैठ के इंस्ट्रक्शंस दी कि फिंगर फजिंग करो कि 4% जीडीपी ग्रोथ रेट शो करो। उन्होंने बेस फिगर चेंज कर दिया है उसको ऊपर जाने के लिए। हर तरफ लूटमार है, इलेक्शंस के लिए इनके पास पैसे जिनको चाहिए फेंकने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस सारे का जो पॉजिटिव इंपैक्ट है, आप मुझे पॉजिटिव इंपैक्ट पूछ रही हैं, उसमें मीडिया का भी रोल है, सबका रोल है। अवाम को इन्होंने इतना मजबूर किया है, अवाम को इन्होंने इतना मजबूर किया है कि अवाम को रिलीज कर दिया है। अब अवाम अच्छा, जो एक छोटा सा वक्फा लूंगी दिलीप साहिबा, एक छोटा सा वक्फा लूंगी कि एक से मेहरीन साहिबा जरूर रिस्पॉन्ड कीजिए एक छोटे से वक्फे के बाद। अगर अवाम को इतना इंस्टिगेट कर दिया है तो क्या बात है तहरीक इंसाफ जो अवाम की बात करती है, जिसने सबसे पहला कदम उठाया नेटो रूट ब्लॉक करने का, उधर धरना दिया जाके, ये सारा कुछ हो गया और अभी भी शो ऑफ पावर तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, कब तक होगी? और इसके साथ साथ ये भी स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जो मामला तय हो गए हैं वो मंजरे आम पर हम नहीं ला सकते। क्या मामला तय हो गए हैं? आपसे मेरी शॉर्ट में। वापस आने का शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, अंदलीप अब्बास साहिबा कह रही थी कि अब अवाम जो है वो तैयार हो चुकी है, मगर कल ही चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट दोस्त मोहम्मद खान साहब ने कुछ ऐसी बातें की जो हैं तो बड़ी सिंपलिस्टिक, मगर ये कहना गलत ना होगा कि दिल को छू गई। उनका कहना था कि अगर हुकूमत अपने गैर ज़रूरी अखराजात में 50% कमी कर ले तो लोग मुनासिब सहूलियात हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त मुल्क को कुर्बानियों की ज़रूरत है और हर एक को अवाम की बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, और जब हम रात को सोते हैं तो हमें खुद अपना एहतसाब करना चाहिए कि हमने मुल्क की बहबूद के लिए आखिरकार किया क्या है। उनका ये मजीद कहना था कि एहतसाब ही इस्लाह का बेहतरीन अमल है, और उन्होंने सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा आला, गवर्नर और तमाम हुकूमती इदारों पर ज़ोर दिया कि वो अपने फ़राइज़ का एहसास करें और लोगों की फलाह के लिए काम करें। यह अलग बात है कि फेडरल शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ फैसलों की ताखीर से मुल्क को एक दिन में एज़ वी स्पीक 1 अरब का नुकसान हो रहा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद ये उनका मैंडेट भी नहीं था ऐसी बातें करने का, मगर डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, बात तो सच ये है कि बातें उन्होंने बहुत सच्ची की हैं कि शायद महरीन साहबा, मैं आपकी जानब बस ज़रूर आ रही हूँ, मगर जिस तरह डॉक्टर शाहिद, जिस तरह अंदलीप साहिबा ने भी कहा कि अवाम भी तंग आ गई है, आपका भी कहना था कि ये 1.5 अरब रुपये का मसला नहीं है, ये अगेन IMF के 4 अरब डॉलर का मसला है, ये वो 80 अरब डॉलर का मसला है जो हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, और अब एवरी डे $1 मिलियन जो है हम अमेरिका से लेंगे। शाहिद सिद्दीकी साहब जी, देखिए मैं पहले आपसे ये दोबारा अर्ज कर दूं कि अभी वक्त साबित कर देगा कि जो मैं बात कह रहा हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ये तय कर लिया है कि वो अमेरिका की शराइत पर कर्जों का नया पैकेज अमेरिका की सिफारिश से IMF से हासिल करेंगे, जिसकी बहुत संगीन जिस सलामती के तकाजे पाकिस्तान के नज़रअंदाज होंगे, और अमेरिका ये चाहता है कि हम जो है शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करें, तो और ये पाकिस्तान ने बड़ी हद तक मान लिया है कि IMF से नए कर्जों के एवज़ जो है वो अमेरिका की शराइत मानी जाए। नंबर एक, शाहिद अगर आप मुझे इजाजत दें, आज जो सेक्रेटरी और आज जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से अभी ये बयान आया है विक्टोरिया नोलैंड का कि तय होने वाले मामलात को मंजर आम पर नहीं ला सकते, क्या ये वही मामलात हैं अंदर ही अंदर कि आप अपना महाज खोलेंगे शुमाली वजीरिस्तान में, आप IMF के साथ हमें मदद देंगे, ये सारे वही मामलात हैं जो मंजर आम पर नहीं आ सकते? देखिए इसमें शुबे की बात इसलिए नहीं है कि ओबामा साहब ने बिल्कुल वाजे तौर पर कह दिया है कि हम ड्रोन हमले भी जारी रखेंगे, नंबर एक। नंबर दो ये कि पाकिस्तान को शुमाली वज़ीरिस्तान में अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी,
और इससे पहले अमेरिका की जो सफीर वाशिंगटन में थी उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान को जब भी कोई मुश्किलात होती हैं आईएमएफ से तो हम पाकिस्तान की मदद करके आईएमएफ से कर्जे दिलवा देते हैं। इस वक्त आप ये बिल्कुल वाज़े हुकूमत को नज़र आ रहा है कि मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान आईएमएफ के कर्जे अगले माली साल अपने वसाइल से अदा नहीं कर सकता और हुकूमत ने वसाइल बढ़ाने मगर दोस्त मोहम्मद खान साहब तो कहते हैं कि 50% भी अगर हम कमी कर लें अपने अखराजात में तो हम मुनासिब सहूलियात लोगों को दे सकते हैं, वी कैन गेट अ हाउस इन ऑर्डर। मैं इसका बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है लेकिन इसका ताल्लुक डोमेस्टिक कर्जों से है, एक्सटर्नल से नहीं है। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में फिस्कल डिसिप्लिन, मालियाती डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि पिछले 4 वर्षों में हुकूमत ने ये रखा था कि बजट खसारा यानी आमदनी से ज़्यादा जो अखराजात हैं वो 2,800 अरब रुपये होंगे, लेकिन 4 वर्षों में ये हुए हैं 4,100 अरब। तो अगर 1,300 अरब रुपया आप बजट खसारे से हदफ से ज़्यादा रखते हैं खुदा के लिए, तो ये भी उस वक्त जब आप तरक्कियाती खर्चात कम करते हैं, तालीम की मद में रकम खर्च करते हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट की करते हैं, तो बेइंतहा डोमेस्टिक कर्जे लेके आप 1 साल में 1,000 अरब रुपए के हुकूमत ने 10 महीने में कर्जे लिए हैं बैंकों से और नोट छापे हैं, तो वो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, लेकिन इनका ताल्लुक डोमेस्टिक मसाइल अच्छा, से है मैं, और पाकिस्तान जी जी मैं अंदलीप साहबा एक दफा आप अपनी बात ये कह रही थी कि अवाम तैयार हो चुकी है, मगर मेरा सवाल आपसे यही है कि अवाम तैयार हो चुकी है तो आपकी तो स्ट्रीट पावर अभी तक हमें नजर नहीं आ रही, जबकि तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले धरना दिया था नेटो सप्लाई रूट्स रोकने का, नेटो सप्लाई रूट के ऊपर ही, तो आज आपकी स्ट्रीट पावर शो ऑफ स्ट्रेंथ क्यों नहीं दिखाई दे रही? आप बिल्कुल सही कह रही हैं और आप यकीन माने कि ड्रोन्स के ऊपर 7 साल से जो हमारी पॉलिसी है, जो ये इसी टॉक शोज में बैठ के हमारा मजाक उड़ाया करते थे, अब सब अग्री करते हैं स्ट्रीट पावर बिल्कुल है। और हमने अगर इंसाफ के लिए कहा है कि जी अपील इनकी जब रद्द हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि हम कहते हैं इंसाफ की पार्टी हैं, हम लॉ के साथ हैं, जिस दिन इनकी अपील रद्द हुई और ये प्राइम मिनिस्टर रहे तब हम सड़कों पे निकलेंगे और आप ऐसी सुनामी देखेंगी कि आप उसको यकीन माने ये सब सुनामी इस करप्शन को डूब के ले जाएगी। दूसरी बात जो मैं आपको बड़ी क्लियरली कहना चाहती हूँ कि जो ये खर्चों की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, 50% क्या अगर ये 30% भी कम करें, क्योंकि इनके खर्चों की वजह से पिछले 4 साल में 8,500 अरब रुपए की करप्शन हुई है रिपोर्टेड, तो आप ये देखें कि $350 मिलियन क्या है उसके सामने, लेकिन इन सब ने लूट लिया, खा लिया, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। हमारे पास इकोनॉमिस्ट सारे ये कह रहे हैं कि मुल्क का बिल्कुल बुरा हाल है, यही वजह है कि पिछले 4 सालों में ये कह रही हैं मुल्क की खसारा भी जो है वो प्लान से क्या किया, हम ये कर रहे हैं मजबूर हो गए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये इंग्लैंड गए हैं, इन्होंने इंग्लैंड जाके वहां क्या किया है, हमें GSP प्लस स्टेटस ले लिया गया दोबारा, स्पेन और पोर्चुगल ने कहा है कि जी टेक्सटाइल्स को एक्सेस नहीं देंगे, ये उतना भी जाके उनसे निगोशिएट नहीं कर पाए और इन्होंने आपको झूठे धोखे दिए हुए हैं कि जी ये टेक्सटाइल्स की ये जो है जो हमने इंडिया को मना लिया तो, अब हमें यूरोप में खुली एक्सेस मिलेगी। एक तो अगर ये सुनामी कहती खान है कि इनको सब कुछ पता है ना जी, तो प्लीज इनकी सारी जो बात है जीएसपी प्लस पे, ट्रेड पे, इकोनॉमिक्स पे, पॉलिटिक्स पे, ये अपनी दलीलों से हमें बनाएं, अपनी बातों से नहीं, लॉजिक से और फैक्ट से बताएं, फैक्ट से बताएं कि क्या हुआ। जी मेरीन साहबा सवाल यही है कि अगर आप दलीलों से मनाएं या फैक्ट्स दे दें कि 90 दिन में कैसे करप्शन खत्म करेंगे लॉजिकल। एक बात मैं आपको भी इसकी लॉजिक देती हूँ, मैं आपको लॉजिक देती हूँ इसकी, खामोश रहे बीबी, आप ये देखिए कैसे करप्शन खत्म हुई सिंगापुर में, शिकागो में जिन्होंने बड़ी करप्शन की थी, उन्होंने 60 और 70% करना चाह रही हूँ मेहर। मैं सिर्फ ये कहती हूँ जैसे इन्होंने कहा कि जी शिकागो कॉन्फ्रेंस, जी बात यह है कि पहले बोन कॉन्फ्रेंस भी हुई थी उसका हमने बॉयकॉट
किया, अगर जरूरत पड़ती तो यहाँ भी करते। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुने मेहर, बात यह है कि सदर साहब ने कहा मेरी हुकूमत डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, मेरे लोग डिसाइड करेंगे। एक फोन कॉल पे ये ढेर नहीं हो गए? ये बहुत ज्यादा शोर मचाने से, बातें करने से, नहीं चलती। बहुत बात कर ली है जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं इकोनॉमिस्ट, वो भी बहुत उन्होंने बात की है। बात ये है कि क्या जो हुकूमत यहाँ पे बैठी हुई है पाकिस्तान को और उसकी सॉवरेनिटी को, उसकी इंटेग्रिटी को किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है? अच्छा मेरीन साहिबा, मेरीन साहिबा मुझे इजाजत दीजिए, मेरीन साहिबा अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं आप ही से सवाल करूंगी, आप ही से सवाल करूंगी। बात करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात करते हैं। मैंने खुद सेक्रेटरी फाइनेंस से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछा था, उन्होंने कहा ये टेक्निकली रॉन्ग बात करते हैं। मैं आपको एक बात साफ कह देना चाहती हूँ कि ये प्रोपोगंडा करप्शन का और ये प्रोपोगंडा जो हमारे खिलाफ हो रहा है इसको बंद होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान की ये वाहिद हुकूमत है जो अमेरिका के सामने भी और दुनिया एक के सामने सवाल तो आपसे कर लूं जनाब, एक बात सुन लीजिए बस। बातचीत के जरिए मामलात हल होते हैं तो मैं समझती हूँ हम इंटरनेशनल ग्लोबल विलेज में रहते हैं, वो हल करने चाहिए। इंटेग्रिटी को अग्रीड, एक बात सुन लीजिए, गुजारिश आपसे ये है आज के अगले पिछले 20-25 मिनट जो प्रोग्राम के रह गए हैं आप खुल के बोलिए, मगर आप बका सॉवरेंटी और नेशनल इंटरेस्ट का नाम नहीं लेंगी। मैं देखना चाहती हूँ आपके पास और क्या दलीलें हैं, कितना वजन है आपकी दलीलों में। और दूसरी बात, एक छोटे से वक्फे के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक सेकंड, ये मैडम सुनामी हो या मिस्टर सुनामी हो, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अभी ये नहीं समझ आ रही कि एक जर्नलिस्ट की या एक CNN की एंकर पर्सन की, बात सुन लीजिए, ये हिम्मत कैसे हुई कि एक मुंतखब वज़ीरे आज़म को आंखों में आंखें डाल के कहे कि मेरी आंखों में देख के जवाब दो कि कहीं तुम झूठ ना बोल पड़ो। एक दफा जाते जाते मुलायजा कर लीजिए और फिर मुझे बताइए जुर्रत कैसे पड़ी। Look me in the eye and tell me what more you need. वापस आने का शुक्रिया। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये दिखा रहे थे कि एक सहाफ़ी की जुर्रत कैसे हो गई कि एक आज़ाद मुल्क के मुंतखब वज़ीरे आज़म को ये कहे कि मेरी आंखों में आंखें डाल के जवाब दो। मेरी साहबा से पूछना चाह रहे थे, मगर जफर झगड़ा साहब मैं आपकी जाने पहले आऊँगी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये कहा जाए मेरी आंखों में आंखें डाल के जवाब दो, ना तो हम एक कॉलोनी है आज, कहने को तो आज़ाद ही हैं जनाब। उसके बाद एक और सर्वे आता है जिसको इस पूरे खित्ते के सारे सदूर में से सदर आसिफ अली जरदारी को लीस्ट पॉपुलर कहा जाता है, हामिद करजई भी उनसे जीत ले जाते हैं, बल्कि मजे की बात तो ये है। सो मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि ऐसे हालात में जब लैक ऑफ गवर्नेंस है, इंटरनल ऑर्डर ही सही नहीं है, इतने लोग जुर्रत कर जाते हैं हमारे मुंतखब लीडर्स से इस तरह बात करने की कि हम खुद कभी बैठ के इस मुल्क में कभी बात ना करें अपने लीडर्स से इस तरह, जितना भी गुस्सा हो, जो भी उनकी कारकर्दगी हो। तो अब तो शरायत तो रखेगी और एक शर्त रखी है नेटो सप्लाई खोलने की पाकिस्तान से भी अमेरिका ने कि रोज के $10 लाख तो देंगे मगर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे तुम लोग। तो ये तो आए रोज नेटो के ट्रक्स जलते हैं, लूटे जाते हैं, तो सिक्योरिटी सप्लाई करने से क्या मतलब है? अब हम अपनी फौज को चमन से तोरखम और कराची तोरखम भी कनेक्ट कर दें कि लाइन अप कर ले कि नेटो ट्रक्स को कोई पर कोई हमला ना करे। शुक्रिया महर, यही तो रोना है, हम तो यही कह रहे हैं कि देखें जी ये जो बातें तय हो रही हैं, एक तो ये खुलकर कौम के सामने आनी चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है क्या हो रहा है और किन शरायत पे हो रहा है। हमें कोई ऐसी शर्त नहीं माननी चाहिए जिसमें हम एक बार फिर फंस जाएं। देखें एक ये मौका अल्लाह ताला ने हमें फराहम किया है इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए, इस मुल्क को मुस्तकम करने के लिए, हमें इस वॉर ऑन टेरर से छुटकारा हासिल करने के लिए। देखिए अब मुझे बात करने दे, मैं आप लोगों की बात में बिल्कुल नहीं बोला, सो प्लीज यू हैव टू कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी। जब मैंने सुनी आपकी बात, आप भी मुझे मौका दें पूरा पा। तो मैं ये कह रहा था कि ये महर बात यह है कि आपने जो बात की कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने ये जरूरत की हो ये बात की, तो उनको उसी वक्त वहाँ से उठ जाना चाहिए था। ये तो बड़ी ज्यादती है कि एक एंकर उठ के कहे कि मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करे। क्यों करें जी, हमें अगर कोई बात करता है तो हमें भी उसी टोन में और उसी लहजे में उनसे बात करनी। हम तो यही कहते हैं कि आप अमेरिका से भी जब बात करें तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें, ये नहीं कि उनके सामने आंखें झुकाकर जब हम बात करते हैं तो
तो फिर यही नतीजा होता है कि उनके एंकर्स भी आके आपको ये बात करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ चुका है, ये जो आपने बात की कि किस तरह हम छुटकारा हासिल करें, हम कर सकते हैं। ये जो शायद साहब ने कहा कि 4 मिलियन पता नहीं 4 अरब डॉलर का IMF का कर्जा भी हमने, 4 अरब डॉलर IMF का इन्होंने बताया। ये सारी चीजें इंशाल्लाह वी विल ओवरकम दीज थिंग, ये कोई बात नहीं है। मैंने तो आपको पहले भी मिसाल दी थी, इस वक्त जब 98 में सूरत हाल थी वो भी कोई इससे बेहतर सूरत हाल नहीं थी, लेकिन हमने अल्लाह के करम से स्टैंड लिया और कौम हमारे साथ अच्छा। खड़ी हुई, आज भी कौम खड़ी होने के लिए तैयार है। कौम तो कहती है हम अपना पेट काट कर गुजारा कर लेंगे, जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस का आपने जिक्र किया और 50% कट का उसने कहा, ये यकीन करें ये जो पहले हमारी बहन अंदलीब ने कहा कि 30% भी करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, करप्शन को खत्म करें, ये जो दूसरे प्रोग्राम्स इनके हैं जो प्रायोरिटीज हैं उनको पहले फिक्स करें जी। आपके मुल्क में देखें लोड शेडिंग हो रही है और लोड शेडिंग का इलाज भी आपके पास मौजूद है, सर्कुलर डेट को खत्म करना कोई मुश्किल काम जी, नहीं बट प्रोवाइडेड कि आप अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स करें, यहाँ पर भी प्रायोरिटीज को फिक्स करें, आपके लिए कोई मसला नहीं है। प्रायोरिटी सही नहीं है, क्या बात है कि हम जब इंटरव्यूज लेने जाते हैं तो हमें तो सारे प्रोटोकॉल फॉलो कराए जाते हैं, इस तरह आना है, इस टाइम पे आना है, इस तरह बैठना है, ये क्या पूछा जाएगा, नहीं ये ना पूछेगा, ये कर लीजिएगा, सर इतना खपाया जाता है। तो ये शायद वलायती एंकर थी, बाहर के जर्नलिस्ट थे तो कुछ कहा नहीं गया, खड़े हो जाना चाहिए था, मगर फिर भी ये भी कहना गलत ना हो गए भुट्टो थोड़ी है, शर्म तो हमें आई है आज बीबी। मेहर बात यह है कि उस एंकर ने जिस तरह बात की या नहीं की, मैंने सुना तो नहीं, जिस तरह आप कह रही हैं उसने की तो उसको नहीं करने चाहिए, उसको नहीं करनी चाहिए थी। और मैं सिर्फ एक बात का जवाब देना चाहती हूँ, वो ये है कि यहाँ पे कहा गया कि पाकिस्तान के बारे में शायद बाकी सारे ठीक सोच सकते हैं, हम ठीक नहीं सोच सकते। मैं ये कहती हूँ कि जब शिकागो कॉन्फ्रेंस पे फ़ोन किया गया तो सदर साहब ने ये जवाब दिया, गैलप का क्या सर्वे आता है, 5-6 कंप्यूटर रख के एक इदारा कोई सर्वे कर ले, मैं उसको नहीं, मैं जो सर्वे है अवाम का जो सर्वे है मैं उसको मानती हूँ। और दूसरा अच्छा, जज साहब ने अपनी बात याद आई, सुने सुने सिचुएशन के पॉलिटिकल फॉल आउट को किस तरह हैंडल कर रहे हैं करने दे, या तो फिर आप अकेली प्रोग्राम कर ले, मेहर जरा बात करने दे, जवाब आपसे पूछी ना, जो आपका जज साहब के पीछे ना पड़े, छोड़ दे जज साहब, जज साहब ने एक बात की, मैं उसके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम कहेंगे तो शिकायत होगी। देखें जजिस का जो काम है जजिस को वो करना चाहिए, सियासतदान का जो काम है वो सियासतदान को करने दे। आज अगर नेटो सप्लाई के हवाले से बात हो रही है तो मेहर आप ये भी देखें कि इस मुल्क के अंदर 4 साल तो हमें हुए हुकूमत करते हुए, 4 साल से बहुत अरसा पहले बहुत से ऐसे लोग हैं जो मौजूद हैं, अफगानिस्तान का वॉर हुई तो अफगानिस्तान से बहुत से 40,000 लोग यहाँ आए, उनको हमने रेफ्यूज दिया, कैसे दिया, ये मामलात हमारे वसाइल क्या थे, हमारे मसाइल क्या हैं, आज सवालात उठाए जाते हैं तो खुदारा उसका बैकग्राउंड भी देखें आप। तो जनाब मेरा अगर आप मुझे इजाजत दे दीजिए, आपसे सवाल ये है, हमारे बैकग्राउंड हमें मालूम है, इंटरनेशनली उसको आप स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, आज पाकिस्तान से तमाम स्टेक होल्डर्स की एक आवाज जाननी है, जब आप इंटरनेशनल किसी फोरम के ऊपर खड़े हैं आप जरूर लड़ें, आप हम पे तनकीद करें, मगर जब पाकिस्तान से आवाज बाहर जाए तो वो एक आवाज जाए। और मैं बताऊं कि 14 नकाती जो हमने रेजोल्यूशन में बात की थी उसको सामने रखते हुए बोन कॉन्फ्रेंस और मेहरीन साहिबा एक सेकंड इजाजत दे दीजिए, पार्लियामेंट ने एक आवाज उठा तो ली है, पूरी सुन लेंगी, सुन लूंगी ना जनाब, पार्लियामेंट ने एक आवाज उठा तो ली है, वो अमेरिका तक पहुंचा दें, उसमें अपोलॉजी भी है, उसमें ड्रोन अटैक्स भी है, उसमें 2 अरब डॉलर का कोएलिशन सपोर्ट फंड भी है, उसके अंदर आप अगर आप मेरी बात सुने तो वो आवाज उन तक पहुंच गई है। मुहज्जब ममालिक का एहतजाज रजिस्टर कराने का एक तरीका है, वो हमने इस्तेमाल किया है, हमने DCC की मीटिंग की है, अभी डिसाइड कोई चीज नहीं हुई, डिलिब्रेशंस हो रही हैं और मंगल वाले दिन दोबारा होगी, एक फोन कॉल पे ढेर होने वाली गवर्नमेंट नहीं है ये, बिल्कुल इसको बंद होना चाहिए जी बिल्कुल। मेरी अंदरीप साहब मेरे पास वक्त की किल्लत है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब तो फॉरन ऑफिस के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है कि वो राय रास्त अब अमरीका से बात करें और मामलात को मजीद इनके ऊपर गौर व फिक्र करें,
तो मुझे ये नहीं अब समझ आ रही कि हम एक जज्बाती कौम तो हैं, मगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग आप जज्बात को निकाल दें, आप निकाल दें माफ़ी को, आप निकाल दें कि नेटो सप्लाई हमारे जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है, हम लोग प्रोसीजर्स क्यों नहीं सही करते? देखिए, प्रोसीजर जो होता है वो तभी सही होता है जब कानून की बालादस्ती होगी। वो प्रोसीजर जो कानून ने रखा है, वो जब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, आप कोर्ट को कुछ समझते ही नहीं है और आप डिफाई कर रहे हैं, और आपके बेटे और आपके सारे खानदान और रिश्तेदार मिलके कोर्ट क्या, नैब क्या, हर बंदा अपनी मर्जी से अपॉइंट कर रहा है, तो फिर यही होगा कि 24 नौजवानों की जो मौत है $360 मिलियन में बिकेगी। क्योंकि ये मैं बताऊं आपको, यहाँ किसी चीज का डेफिसिट नहीं है, इट्स नॉट अ ट्रेड डेफिसिट, इंटेग्रिटी, ईमानदारी और दर्द, हम दर्दी महसूस करना। मुझे ये बताएं कि अगर इनके बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो, ये कैसे फील करें, किस तरह से क्लोजर हो सकता है? आज तक 10 साल हो गए, 9/11 का क्लोजर नहीं किया। एक बंदा उनका रेमंड डेविस यहां दंदनाता मार के चला गया, अमेरिका ने सारी दुनिया इधर उधर करके हमारी हुकूमत से वो ले लिया बंदा, हमारे 24 लड़के, नौजवान, खानदान $360 मिलियन पे बिक गए। उनमें बड़े पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, वो बात रहने ही दीजिए कि रेमंड डेविस भी किस तरह गया, बड़े पर्दा नशीनों के नाम है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ डॉक्टर शाहिद, आखिरी सवाल, हमें बार बार हमारी कौम को ये बताया जाता है कि हम और करें क्या, अपने गिरबान में झांक के कदम उठाना चाहिए, और करें क्या जनाब, ये बता दीजिए कि ये हमारा भी इलेक्शन ईयर है, इसका पॉलिटिकल फॉलआउट भी होगा, हाउ डू वी कम आउट ऑफ दिस एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशंस विद द सुपर पावर एंड ऑल आवर नेबर्स? देखिए, मैं तो मुख्तसरन आपको ये बता दूंगा कि झगड़ा साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर हम चाहें तो इन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। नंबर वन, पाकिस्तान में अगले 4 दिनों में एक कानून साजी होनी चाहिए, चारों प्रोविंशियल असम्बली और नेशनल असम्बली और सेनेट, के एक मुकर्ररा आमदनी से ज़्यादा हर किस्म की आमदनी पर बगैर किसी एग्जेम्पशन के टैक्स नाफिज और वसूल किया जाएगा। अच्छा, अगर ये हम नहीं करते तो पाकिस्तान की वजूद की, रियासत के वजूद को खतरा है। नंबर दो, हमारे जो मसले हैं फॉरेन एक्सटर्नल डेट वापस करने के, उसका वाहिद तरीका ये है कि हम समंदर पर पाकिस्तान को कुछ बेटर रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करें। अच्छा, और उससे पहले जो है सियासतदानों पर ये पाबंदी लगाएं और मेंबरान पार्लियामेंट पर कि वो पाकिस्तान से बाहर खाते ना रखें, तो आपको सफिशिएंट बैलेंस मिल जाएंगे। बहुत तीसरी बात मैं आपको बता दूं, मेरा वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। यानी कि शायद उनका मैंडेट था कि नहीं था, मगर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का ये कहना जरूर था कि रात को सोने से पहले एक दफा हर कोई एहतसाब जरूर किया करे कि आज मुल्क के लिए क्या कर सके हम। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।